इनकी पुरजोर अपील पर हम यहाँ पे आज मौजूद हैं। नाज़रीन, इन्होंने बहुत हमें टाइम से कहा हुआ था कि फवाद भाई आप आएँ और हमारी जो एक्टिविटी है इसको आप आके कवर करें। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो ब्लाइंड एविस्ट हैं ये किस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको रफ्तार करवा रहे हैं और किस तरह से लोगों की जो है यहाँ पर मदद की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पर किसी रंग व नसल या कौमियत को या मज़हब को अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ पर इंसानियत को अहमियत दी जाती है। तो ये नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये एक सेटअप लगा हुआ है, हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज इसको कवर करने के लिए 24 न्यूज़ भी यहाँ पर आया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी दोस्त की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए हैं, ब्रायन एविस जिनका नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम, नाज़रीन असल में ये मसला ये होता है, ये एक टीम वर्क होता है। जब तक आपके पास ये टीम वर्क कम्प्लीट नहीं होगा, यू कॉन्ट डू एनी थिंग। नाज़रीन, सोशल वर्क करना मुँह से कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको फ़िज़िकल प्रैक्टिकल करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन ये जोश व जज्बा किसी किसी के पास होता है। उनमें से एक हमारे दोस्त हैं, मेरे साथ ब्रायन मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये जो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनको किस तरह क्या लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आने का और इसको कवर करने का। मैं चाहूँगा लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसमें कमेंट ज़रूर करें। एक्चुअली मेरा नाम ब्रायन एवरेज बेनेडिक्ट है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग लास्ट 8 महीने से हम लोग ये दस्तखान पे काम कर रहे हैं, एवरी सैटरडे अक्रॉस द बोर्ड। हमने चाहे कि एटलीस्ट हम लोगों के साथ ना एक यकजहती करें, क्योंकि हम एक ही मुल्क में रहते हैं, एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और हम आज़ाद हैं। हम इंडिया जैसे नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम एक पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर मुसलमान हमारे साथ भाई बहन की तरह चलते हैं। तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यार हमारा पड़ोसी का हक याद रखना। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मदर टेरेसा की, वो एक लेडी आती है, उसको बोलती है यार मेरे घर में खाना नहीं है। तो मदर टेरेसा वैसे ही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो वो एक राशन बैग देती है, वो उसके साथ जाती है। वो क्या करती है, औरत उसको आधा करती है। अब भाई फॉर्चुनेटली वो मदर टेरेसा से पूछती क्यों आधा कर रही हो, कह रही है मेरा पड़ोसी भूखा है, मैंने उसको भी दिया। क्योंकि जिसको एहसास होता है ना उसको, तो अगर हम लोग एक दूसरे का एहसास रखेंगे ना, वो है सबसे बड़ी बात। क्योंकि देखें, सब कुछ आपकी नेकी एंड में आपको बचाएगी किसी ना किसी तरीके से। और हमें एक साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ये नहीं कि आपस में लड़े झगड़े और ये चीज़ें लाइक ये कहानी। अच्छा, मुझे ब्रायन ये बताइएगा, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, ये आपको जोश कहाँ से आया? सर एक्चुअली ये 9 साल पहले की कहानी है। रात को एक मैच खेल रहे थे, उस टाइम हम लोग ने ना एक वो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, तो उस टाइम हम लोग ने एक दोस्त था वो दस्तखान लगाता था। तो मैं अपनी जॉब छोड़ता था 5 बजे के और जाके वहाँ पर ड्यूटी करता था। एक टेडी पैसा नहीं डालता था, पर मैं चटाई बिछाता था, जूस पिलाता था रोड पे जिना लॉन के पास। तो अपने बॉस से कहता था 5 बजे छुट्टी कर देना, बाकी अफ्तारी करनी है। तो मैं उनको नमाज के तरह बोल देता आप चलिए और मैं वाइंड अप करके अंदर रख दूंगा। तो वो बस चलते गए। फिर एक दफ़ा JD से साथ भी काम करना शुरू किया, 4 साल JD से साथ काम किया, लेकिन बहुत सीखा उनसे, इतना सीखा कि उसमें रमज़ान में भी काम किया, उसमें मैंने बकरा ईद पर भी किया, इवन कोविड में। वो एक लर्निंग स्टेज है। मैं कहता हूँ हर कोई ना एक इंडिविजुअली बंदा अपने बच्चों को ना NGO में जरूर रखें, कि जहाँ पर एटलीस्ट अपना एक वो पॉजिटिवली और सच तरीके से काम करने का एक यकजहती हो। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई हर्डल्स आते हैं, इतना बड़ा ज़हर आप काम कर रहे हैं, आप टीम वर्क होता है, तो क्या कोई हर्डल्स आते हैं, कोई मुश्किलात आती हैं, लोग कॉपरेट करते हैं, क्या व्यवहार क्या उनके भी? सर देखें, कभी कोई कहता है मैं कॉपरेट करूँगा, कोई नहीं कर सकता। हालात जो बहुत बुरे हैं, आपको सिस्टम पता है महंगाई जितनी महंगाई है। फिर इसके अलावा जो एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि यार एक गेस्ट आया था, वो उसने बाहर चला गया, इसने क्रॉस देगा। मैंने कहा नहीं, देखें हम अहले किताब हैं, आप एक वो मुसलमान था, तो मैंने कहा हम साथ में बैठ के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ये प्लेट साफ़ सुथरी है, उतनी प्लेट में मैं भी खाऊंगा, वो आप भी खाएंगे और आप आज देख भी लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी से अच्छी चीज़ रखी है, क्योंकि मैंने उस खुदा को जवाब देना है, मैंने आपको नहीं देना। एंड में मेरा हिसाब होएगा, खुदा बोलेगा मेरे बंदे को तूने गलत चीज़ खिलाई थी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं एट द एंड ये कहूँगा कि हमारे जैसे ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि वाकई जोश व जज्बा रखते हैं आवाम की खिदमत करने का, नाज़रीन मैं आपसे कहूँगा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये विदाउट फंड, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट ये पॉसिबिलिटी है नहीं, मुमकिन नहीं है ये चीज़। तो मैं नाज़रीन यही कहूँगा कि आखिर मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह का जोश व जज्बा लेके ये जो कॉज है, बहुत अच्छी कॉज है। आप यहाँ पे देखिएगा कि हर रंगो नसल का, हर मज़हब का, हर फिरके का जो है आदमी यहाँ पर इस वक्त, अभी आज जुमे का दिन है और अफ्तारी कुछ ही देर में होने वाली, जुमतुल विदा है, बहुत बड़ा दिन है आज। तो आप देखिएगा कि ये किसी से नहीं पूछेंगे तुम हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी हो, महाजर हो, कौन हो, ये यहाँ पर बिठाएंगे ना, ये देखेंगे अमीर है या गरीब है, ये सबको यहाँ पर खाना खिलाएंगे। तो नाज़रीन से हमें सपोर्ट कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,
दिन पहले तो मैं ब्रायन भाई का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ हमें बुलाया, हमें इस काबिल समझा और एक अच्छी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें करवाई है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो मेरा शुक्रिया नहीं, इस रब का शुक्र करना चाहिए क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिलाया है। पहली बात है, मेरी कोई वो नहीं है, ताकत नहीं है। देखिए आप अच्छा काम कर रहे थे सोसाइटी में, आप भी सोशली काम करते हैं, मैं भी सोशली एक दूसरे के साथ। जैसे आप एक मुस्लिम फैमिली से, मैं क्रिश्चियन, पर हम ये नहीं देखते हैं, हम देखते हैं हम एक दूसरे के भाई हैं, के इंसान पहले हैं जो मेरे लिए है। ये वो एक बात है कि जहाँ पे हम सब बैठ के खाना खा सकते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। इसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिश्चियन को बुलाऊँ या मुस्लिम को बुलाऊँ या मैं हिंदू को बुलाऊँ। ये सब आपने देखा होगा, वहाँ पर लेडीज़ के लिए अलग है, वहाँ बच्चों के लिए अलग है। इवन जो बच्चा टेक अवे टेक करना चाहता है ले भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक हम साथ प्यार मोहब्बत से नहीं बैठेंगे, ये मेरे को किसी डोनर्स ने दिया है तो क्यों नहीं मैं दे दूँ। क्योंकि मैं कितना खाऊंगा, मैं एक प्लेट खा सकता हूँ। मुझे ये खुशी होती है कि यार कोई बंदा बैठ के खा सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और जिस प्लेट में वो खा रहे होते हैं उस प्लेट में मैं भी खाता हूँ। वही ये अपना साथ रखता है कि यार सफाई होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ब्राइन भाई की सोच को सलाम है, इनकी एफ़र्ट्स को सलाम है कि जिस तरह माशाल्लाह ये लोग बैठ के, इन्होंने एक चर्च का इन्होंने एक हिस्सा, मतलब इन्होंने फादर से बात की और चर्च का एक हिस्सा इन्होंने जो है वो लिया। और मेरा ख्याल है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, क्योंकि ज़ाहिर है जो इनकी खिदमात देखी फादर ने इनको ये दिया हिस्सा कि भाई आप जहाँ बिठाएं। और मैंने देखा कि यहाँ पर कोई रंगो नस्ल को या काला गोरा आ रहा है या महाजर पंजाबी पठान, ऐसा कुछ नहीं है। जो आया इन्होंने बाकायदा, मैं देख रहा था कि बाहर से ये इनवाइट कर रहे थे लोगों को, फोर्सली बुला रहे थे लोगों को कि भाई आप आएँ और यहाँ पर आके बैठ के खाना खाएँ। तो मैं ब्रायन भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ब्रायन भाई आप क्या कहना चाहेंगे, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, हमारे डोनर्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं चाहूँगा कि आप इनको एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जो ये काम करें, देखिए मेरा एक मैसेज लेके जा रहे हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। और ये अगर कोई सपोर्ट करना चाहे वो कर सकता है, बट मैं चाहूँगा जो अगर ये काम भी करते हैं उनको भी सपोर्ट करें। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक टीम होती है, जैसे ज़ेबा शनाज होती है, मकबूल भाई होते हैं, किटी होता है, क्रिस्टोफर होता है, और मेरे डोनर्स हैं जैसे आज हमारे साथ जो सपोर्ट किया है, जैसे बॉबी अली है, फिर कारितास है, मकबूल फैमिली है, नवीद है, ये सब मिक्स एंड मैच है। इसमें ये नहीं सिर्फ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी ने डाला है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी ने भी डाला हुआ है, इसमें मेलविन ने डाला है, ये सब मिक्स एंड मैच में सब ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल के। किसी ने कहा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैंने कहा नहीं दें, आप फल ला के दे दें। एक पास्टर है, उन्होंने फल ला के दे दिया। एक बुक स्टॉल है, उन्होंने मेरे को वो ऑटो पे फ्रूट्स ला के दे दिए। ये ऐसे मोहब्बत फैलती है। रणवी जगह का हमें, हमारे व्यूवर्स को जगह बताइएगा, कौन सी जगह है ये? सर ये आपने देखा होगा एम्प्रेस मार्केट और जहांगीर पार्क के करीब, ये सालवेशन आर्मी चर्च है। इससे ज़रा सा आगे जाएंगे तो कराची ग्रामर स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है ये, उससे पहले है। नज़ीन एट दैन में ये कहूँगा कि यहाँ पर कोई भी आना चाहे अफ्तारी के लिए, घर से आप बाहर हैं, सदर से अगर आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अफ्तारी नज़दीक है और आपको टाइम नहीं है कि आप घर पे एक्सेस कर पाएँ, घर का आपका दूर है, फासला है आपका, तो आप बिला खौफ बिला झिझक आप यहाँ पर आएँ और बेहतरीन अफ्तारी है यहाँ पर। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनको ब्रायन भाई को सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि ये टीम वर्क लेके चल रहे हैं और विदाउट टीम वर्क इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच।